बारे में मैं आपको पहले ही अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। अल्टर्ड कंटेंट के बाद यूट्यूब ने फिर से एक नया चेंजेस किया है हमारे यूट्यूब अकाउंट्स पे, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। क्या आपने चेक किया, क्या आपने देखा? मैंने भी अभी ही देखा है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, कल या परसों में ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल पूरा अच्छे से चेक किया था, तो मैंने देखा कि उसमें एक और नया चेंजेस आया है, जिसमें कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे कि मैडम ये क्या है। एक सो मेरे फ्रेंड्स एकदम से घबरा गए और सर में दर्द होने लग गया, सोचने लग गए कि ये क्या है, ये कौन सा बदलाव है, अब ये क्या आ गया, और फिर ये अल्टर्ड कंटेंट के बारे में तो अभी हमने सुना ही था, अब ये क्या आ गया। तो चलो मैं आपको ले चलती हूँ अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर, अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम आ चुके हैं अपने YouTube चैनल रिंकी चौधरी ए टू जेड पर। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहले हम देखते थे ये जो लेटेस्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, इस लेटेस्ट को जब हम ओपन करते थे तब हम देखते थे कि चेंजेस क्या हुए हैं, कि मतलब पॉपुलर वीडियोस हमारी कौन सी हैं, ओल्डेस्ट वीडियोस कौन सी हैं और लेटेस्ट कौन सी हैं। पहले हम ये चेक यहाँ पर करते थे शॉर्ट बाय में, बट YouTube ने अभी एक नया चेंजेस किया है हमारे चैनल्स पे, सभी के चैनल्स पे। देखो मेरे वीडियोस पर तो ज़्यादा नहीं, पर हाँ मेरे शॉर्ट्स पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड। अब इसका मतलब तो शायद आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं फिर भी बता दूं कि जिन वीडियोस को आप पब्लिक करते हो वो पब्लिक में दिखाई देते हैं, और जिन वीडियोस को आप प्राइवेट रखते हो, सोचते हो कि हम बाद में इसको टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग पब्लिक करेंगे, वो प्राइवेट में रहते हैं, और कुछ जिन पर आप टाइम लगा करके रख देते हो वो अनलिस्टेड में हमारी वीडियोज रखी होती हैं। जैसे कि मेरी भी एक वीडियो आपको दिखाई दे रही होगी, ऐसे ही मेरे वीडियोज में भी दिखाई दे रहा है कि कुछ वीडियोज मेरी अनलिस्टेड में और कुछ वीडियोस मेरी पब्लिक में है। जैसे कि पब्लिक में मेरी आपकी मेरी वीडियोस आपको दिखाई दे रही होंगी, इसके बाद हम अनलिस्टेड में भी देखेंगे कुछ वीडियोस मेरी अनलिस्टेड में भी दिखाई देंगी। जैसे कि अब हम अभी आगे चल के देखेंगे आपको क्लियरली मेरी स्किन दिखाई दे रही, स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। कुछ लोग इन चीज़ों को देख करके, इन चेंजेस को देख करके हो गए थे परेशान, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है मेरे फ्रेंड्स। ये एक माइनर सा YouTube चेंज है, ये हमारे अच्छे के लिए ही है, क्योंकि कुछ लोगों को ना एकदम क्लियरली सब कुछ समझ में नहीं आता है। तो YouTube ने क्या करा है, YouTube ने एक और नया अच्छा हमें ऑप्शन दे दिया है कि सब कुछ ओपन करके दे दिया, एक एक चीज़ अलग अलग करके। देखो मेरे अनलिस्टेड में कुछ हाइलाइट्स आ रहे हैं, मैं रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ, और अगर मुझे नहीं पसंद तो मैं हटा भी सकती हूँ, इससे मेरे चैनल को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही कोई टाइम घटेगा। जैसे कि देखो मेरे प्राइवेट में भी 1, 2, 3, 4 वीडियोस मेरे प्राइवेट में रखी हुई हैं, कि अगर मैं चाहूँ तो इनको कभी भी पब्लिक कर सकती हूँ, एक अपने टाइम और अपने डेट के अकॉर्डिंगली। तो इन वीडियोस को, और अगर हम इन वीडियोस को डिलीट भी कर देते हैं तो इससे हमारे चैनल को कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई टाइमिंग्स नहीं कटते हैं। तो ये YouTube ने एक अच्छी चेंजेस किए हैं जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ लोगों को, कुछ मेरी बहनों को ज़्यादातर मतलब ये हो जाता है कि पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अब ये क्या चेंजेस आ गए। तो ये अच्छा ही है कि YouTube ने ये अच्छा करा कि बिल्कुल ओपन एक एक चीज़ कर। सो फ्रेंड्स आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। मैं आशा करती हूँ कि इन छोटी छोटी बातों से ही, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आप YouTube में आगे बढ़ोगे। धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ा जाता है, एकदम से किसी के व्यूज़ नहीं बढ़ते, एकदम से किसी के चैनल पे लाखों नहीं आते, एकदम से किसी का चैनल जो है हाई ग्रोथ नहीं पकड़ता। लेकिन हाँ मेरा मानना ये है, देखो छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, पता होती हैं तभी हम उन चीज़ों पे गौर करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो धन्यवाद, आई होप, मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय।